सरदार पटेल, सरदार पटेल, रन फॉर यूनिटी, सरदार पटेल। पीएम ने दिखाई रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी, खुद भी दौड़ में शामिल हुए मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के पटेल चौक पहुंचे और सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो विजय चौक पहुंचे, जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी दौड़ की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस दौड़ में शामिल हुए। मोदी ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो राष्ट्र अपने इतिहास का सम्मान नहीं करता है, वो इसका सृजन कभी नहीं कर सकता। मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकता के लिए समर्पित कर दिया। मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय वेंकैया जी, श्रीमान रविशंकर जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री और सारे नौजवान साथियों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का प्रेरक पर्व है। जो देश इतिहास को भुला देता है, वह देश कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने कुछ दूर तेज चलकर दौड़ का नेतृत्व भी किया। इस दौड़ में सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले यहां संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भी पहुंचे। उधर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि इस पूरे आयोजन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।